वालेकुम। आज मैं बीफ की नहारी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए जो हमने सामान लेना है वो ये सब मैंने रखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, उसमें हमने आधा किलो ये बीफ लिया है, उसमें करेली की बोटियाँ, जो करेली होती है उसकी बोटियाँ लीजिएगा, बिल्कुल भूखी चिकनी नहीं। ये मैंने हाफ के जी वो लिया है बीफ, और 100 ग्राम ये दही लिया है, और 2 बड़ी गट्टी प्याज की, बड़ी प्याज उसको ग्राइंड कर लिए, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 4-5 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हरा धनिया है ये, और 2-3 हरी मिर्ची हैं, और ये जावित्री ली है ज़रा सी, और ये दालचीनी है, और ये जायफल है थोड़ी सी, और काली मिर्च है थोड़ी सी, 4-5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, और 2 चमचे ये नहारी का मसाला है, जिसको लज्जत दाम भी कहते हैं, ये नहारी का मसाला लिया है, और ये खसखस लिए हमने पोस्ता, ये आधा चमचा, और ये 2 चमचे सूखा हरा धनिया पिसा हुआ, और एक चमचा मैंने ये रेड चिली पाउडर लिया है, और 2 चमचे हल्दी लिए, और नमक अपने हिसाब से डालना है। अब इन सबको जो है हम बनाएंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद इसमें ये जो मीट हमने धो के वॉश करके रखा है उसको डालना है। और ये लहसुन, ये हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर, इसको मैंने लिया था, सब इसमें डाल दिया नमक, और ये जो मैंने गरम मसाला दिखाया है इसको थोड़ा सा कूट के इसको खामिंग दस्ते में, और इसको उसमें डाल देंगे। अब इसको हम जो है इसको 2-3 कप जो है पानी इसमें डाल के, और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब 5-6 सीटियां आ जाएंगी, गल जाएगा गोश्त, तो फिर हम इसको भूनने के बाद इसमें ये गरम मसाला डालेंगे बाद में। ये देखिए, अब ये हम जो है नहारी को भून रहे हैं, अब इसमें ये जो दही है वो इसको इसमें हम मिला देंगे, और डाल के इसको भूनेंगे। और ये जो गरम मसाला हमने कूटा था, दिखाया था आपको, उसको हम इसमें मिला देंगे, और ये लज्जते दाम ये जो नहारी का मसाला है इसको हम डाल देंगे, सब डाल के वो भून लेंगे। उसके बाद इसको जब ये गल गया है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे, इसको डिश आउट, और उसके बाद जो है भूनने के बाद इसको इसमें डिश आउट कर लेंगे, उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बाद में डालेंगे इसको। अभी इसको हम थोड़ा भून लें, ठीक है। ये देखिए ये भून रहा है, भून जाएगा, तो इसमें शुरबे थोड़ा सा दे के इसको हल्के, बहुत ज़्यादा शुरबा नहीं, लेकिन हल्के लोहा पर इसको उतार लेंगे। हमारी नहारी जो है हमने डिश आउट कर ली, ये बन गई है, बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है ये, और आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, सबको पसंद आएगी, आप बनाइएगा ज़रूर। और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनी है, और इसके साथ में ये रोटी है, नान है, ये आप जो है नान के साथ अगर खाइएगा तो बहुत अच्छी लगेगी नहारी, ठीक है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसको बनाइएगा भी ज़रूर। खुदा हाफिज़।